मेड़ता सिटी के गांव कुपड़ास में स्थित श्री करणी माता मंदिर के प्रांगण में गुरुवार को मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम मेघवाल का नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक व जनता ने अपने मन की बात की, जिसमें ग्रामीणों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुपड़ास को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करवाने की मांग की। इस दौरान मेड़ता विधायक मेघवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन है, जिसकी सेवा में सदैव तत्पर मिलूंगा और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में क्रमोन्नत करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री रामेश्वर छाबा, ग्राम पंचायत छापरी खुर्द सरपंच प्रतिनिधि जगदीश फुलवारी, हरसोलाव सरपंच प्रतिनिधि राकेश गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य विनोद मेहरा, भंवरलाल बूढ़िया, कैलाश चंद्र कालवा, पूर्व जिला परिषद सदस्य कैलाश लटियाल, मेड़ता डिस्काम एक्सन रामजीवन जाखड़, भाजपा युवा नेता अन्ना राम बुड़िया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का ग्रामीणों ने माला व साफा पहनाकर नागरिक अभिनंदन किया। हाइट कल्चर न्यूज के लिए सोहन लाल की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं इस मंच के माध्यम से। आपने बहुत ही एक छोटे किसान परिवार से जाए जन्म में आदमी को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, आपकी वोट की ताकत से पहुंचा मैं, इसलिए आप सबका मैं हृदय गहरे से आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं आपके आशीर्वाद से पहुंचा विधानसभा में, तो पहला मेरा सवाल था किसानों के लिए। आपने सुना होगा किसान की बात रखी, सरपंचों की बात रखी, पानी की बात रखी, बिजली की बात रखी, क्योंकि उन कामों के लिए आपने वहां भेजा था। जब हम चुनाव प्रचार में थे तो गांव की बहुत ज्यादा समस्या, सबसे जटिल समस्या बताई आपने, जब लाइट की समस्या, रात को पानी का काम करना पड़ता है, तो हम लोगों ने प्रयास किया। जाकर साहब बहुत ही एक्टिव एक्शन है, हमारे किसान परिवार से है, हम सबके प्रयास से आप लोगों को उसमें सफलता मिली। मैं सबका पूरे गांव को साधुवाद, आपका आभार करता हूँ, शुभकामना देता हूँ आपको। ये लाइट की समस्या भी कुछ हद तक हल हुई, अभी और मांग रखी माननीय बुढ़िया साहब ने, जरूरत होगी तो और भी हम प्रयास करेंगे कि विकास में आप लोग जब चुनते हो जनप्रतिनिधि तो विकास के लिए चुनते हो, हम सदैव आपके बीच में रहकर के विकास की बात करेंगे। अभी स्कूल की बात हुई, पीएमसीडी का भी लंबी मांग थी छापरी की, पीएमसीडी होनी चाहिए। एन हमारी मांगों के साथ साथ कई बार टेक्निक इश्यू पॉइंट भी आते हैं, जैसे रेण बड़ा कस्बा होगा तो वहां ज्यादा बच्चों की तादाद होगी तो वहां हो गई, चिंता नहीं करें, अब की बार छापरी का नंबर लगाएंगे, क्योंकि ये तो हर साल माती रहती है। हमारे विधानसभा तीन हुई थी पीएमसीडी, एक तो आपकी रेण हो गई और एक रिया लोग हुई थी कवरिया, और एक बाघ आवास हुई थी वो नगर पालिका क्षेत्र में, आपके सरपंच साहब जगदीश जी विराजमान है। तो ये सारे विकास के जब हम मांग रखते हैं, जैसे भाई अक्षर साहब को हम मांग रखी हमें चाहिए और ट्रांसफार्मर 5000 का, तो इनको कई टेक्निक इशू भी देखने पड़ेंगे, कई गाइडलाइन होती है सरकार की, कई मांगे होती है, सबको देखते हुए सब चीजें उसमें आती है, तो हम कोशिश करेंगे आपकी स्कूल की।